अगर आपको एक नया जीएसटी नंबर लेना है तो ये बिल्कुल सही समय है एक नया जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जीएसटी के नए रूल्स आ रहे हैं जिनसे जीएसटी नंबर लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किसके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, जरूरी है, और किसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी गुड्स यानी सामान सप्लाई करते हैं, आप कोई भी सामान बेचते हैं और एक साल में आपकी टोटल सेल 40 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक साल में आपकी टोटल सेल 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सामान सेल करना चाहते हैं तो चाहे टर्नओवर कितना भी कम हो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन अपना सामान बेचना चाहते हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या किसी भी वेबसाइट पर, तो आपका टर्नओवर चाहे कितना भी कम हो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जैसे कि पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस का नेम और बिजनेस का एड्रेस, जिस जगह पर आप बिजनेस करते हैं उसका एक एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ को आप स्कैन करके रख लेंगे, उसका मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपने बिजनेस का HSN या SAC कोड यानी आपका बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल करता है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो आप ऑनलाइन जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, बिल्कुल फ्री में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा gst.gov.in। इसमें आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन, इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। इसमें आप चूज करेंगे IM टैक्स पेयर, पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है टैक्स पेयर। इसके बाद आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। नीचे यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर डाल देना है। जीएसटी का एक नया रूल आया है कि यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वो डालना होगा जो आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है, लेकिन ये अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये मैंडेटरी हो जाए। अभी आप यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना होगा, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ही आप टाइप करेंगे। इसके बाद प्रोसीड। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, मोबाइल वाला OTP आप यहाँ डालेंगे, साथ ही आपकी ईमेल आईडी पर भी एक OTP सेंड किया जाएगा, ईमेल वाला OTP आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपका एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यानी TRN नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आप कॉपी करके रख लीजिए, ये बात तक आपके काफी काम आएगा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इसमें आप अपना TRN नंबर डालकर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना TRN नंबर डालेंगे, इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और प्रोसीड। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ डालकर प्रोसीड करेंगे। एक बार TRN नंबर जनरेट होने के बाद आपके पास 15 डेज का टाइम होता है अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीट करने के लिए, तो आप एक्शन में पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको ये स्टेप्स कम्प्लीट करने होंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नेम डालेंगे, जिस नेम से भी आप बिजनेस करते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी शॉप का नेम भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में चूज कर लेंगे किस टाइप का आपका बिजनेस है, जैसे कि अगर कोई कंपनी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करेंगे, पार्टनरशिप है तो आप पार्टनरशिप चूज करेंगे, जैसे कि मेरा प्रोप्राइटरशिप है तो मैं ये चूज कर लेता हूँ। अगर आप एक से ज्यादा नामों से बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आप सेकंड नेम भी डाल सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप यूपी में रहते हैं और दिल्ली में कोई मेला है या कोई इवेंट है वहाँ पर आपको अपना सामान सेल करना है और इसके लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो इसको आप ऑन कर देंगे, वरना इसको आप ऑफ रखेंगे। नीचे है ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। जीएसटी में 2 स्कीम्स होती है, एक कंपोजिशन और दूसरी रेगुलर, तो अगर आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो इसको आप ऑन कर देंगे वरना ऑफ रखेंगे। चलिए मैं इन दोनों को ऑफ रखूंगा। नीचे यहाँ पर आपको एक रीजन चूज करना होगा कि आप जीएसटी नंबर
क्यों लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करना है इसलिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर आपको ऑनलाइन अपना माल सेल करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी एक रीजन चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं वॉलंटरी बेसिस चूज कर लेता हूँ। इसमें आप अपने बिजनेस की स्टार्टिंग डेट डाल देंगे, किस डेट को आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अगर आपने कोई और रजिस्ट्रेशन भी किए हुए हैं तो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आपने इनमें से कोई एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन की डेट डालेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आप ऐड पर क्लिक करके उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रमोटर या पार्टनर की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो इसमें आपका नेम आ जाएगा, नीचे आपको अपना फादर नेम फिल कर देना है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप अपना एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डाल देंगे। नीचे आप जेंडर चूज करेंगे। नीचे यहाँ पर आप अपनी डेजिग्नेशन डालेंगे कि बिजनेस में आपका क्या स्टेटस है, क्या डेजिग्नेशन है, तो वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ प्रोपराइटर। अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपका एक DIN नंबर भी होगा तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना होगा, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना एक फोटो अपलोड करना होगा। अगर आप चाहें तो टेक पिक्चर पर क्लिक करके डायरेक्ट अपनी एक सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से फोटो रखा हुआ है तो उसको आप यहाँ सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। आपके फोटो का साइज 100KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने बिजनेस में ऑथराइज सिग्नेचरी है, अगर हाँ तो इसको आप यस कर देंगे। और अगर आपके बिजनेस में ऑथराइज सिग्नेचरी कोई और है तो इसको आप नो रखेंगे। इसके बाद आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी। चलिए हम इसको यस कर देते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस में मैं ही ऑथराइज सिग्नेचरी हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इस स्टेप में आपको ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल्स फिल करनी होगी, आपके बिजनेस में ऑथराइज सिग्नेचरी कौन है। हमने क्योंकि लास्ट स्टेप में चूज कर लिया है कि हम ही हैं तो यहाँ पर हमें कोई और डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो इसको आप यस करेंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। हमारा कोई नहीं है तो इसको हम नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की प्लेस डालनी है, जिस जगह पर आप बिजनेस करते हैं वो लोकेशन आप यहाँ पर डालेंगे। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप चाहें तो मैप में भी पॉइंट कर सकते हैं। इस तरह से आप मैप को जूम करेंगे, लोकेशन का नाम आप यहाँ डालकर जूम करेंगे तो आपके सामने लोकेशन आ जाएगी। आप इस तरह से इसको पॉइंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैनुअली भी यहाँ पर अपनी लोकेशन को फिल कर सकते हैं। इसमें आप अपना पिन कोड डालेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी सिटी, टाउन या विलेज का नेम डालेंगे, रोड या स्ट्रीट का नेम डालेंगे, बिल्डिंग का कोई नेम है तो वो नेम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर डालेंगे, आपके आसपास में कोई लैंडमार्क है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। लोकेशन फिल करते ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेक्टर, सर्कल या वार्ड नंबर चूज करना होगा। ये आपको बिल्कुल सही चूज करना है क्योंकि अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो आपके पास नोटिस आएगा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। जिस जगह पर आप बिजनेस करते हैं वहाँ पर क्या सेक्टर, सर्कल या वार्ड नंबर लगता है, ये चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आसपास के किसी और जीएसटी रजिस्ट्रेशन को चेक कर लीजिए। जैसे आपको आपके आसपास के किसी बिजनेस का जीएसटी नंबर मिलता है तो आप जीएसटी की साइट पर आएंगे, सर्च टैक्स पेयर पर क्लिक करेंगे। इसमें आप सर्च बाय जीएसटी इन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप वो जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर आप ये कैप्चा फिल करेंगे और सर्च करेंगे। आपके सामने उस जीएसटी नंबर की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, बिजनेस नेम क्या है, रेंज कौन सी लगती है, सेक्टर कौन सा है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको आप प्रोसीड करेंगे। अगर आपके सामने इस तरह का पेज आता है तो आप एडवांस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको सर्विसेज में एक ऑप्शन मिल जाएगा नो यूअर ज्यूरिसडिक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना स्टेट चूज करेंगे। इसमें आपको जोन मिल जाएंगे तो आप अपना जोन चूज करेंगे। आपके सामने जोन आ जाएंगे, आप अपने जोन पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको डिविजन मिल जाएगी, आप अपनी डिविजन पर क्लिक करेंगे। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि ये रेंज कौन सी लोकेशन पर लगती है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप अपना सही सेक्टर,
सर्कल या वार्ड नंबर चेक कर सकते हैं। सही से चेक करने के बाद आप यहाँ पर फिल करेंगे, अपनी डिवीजन चूज कर लेंगे, इसमें आप अपनी रेंज चूज करेंगे। इसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिस लोकेशन पर आप बिजनेस कर रहे हैं उसका आपके पास क्या एड्रेस प्रूफ है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे कि जिसकी वो लोकेशन है, अगर आपने उससे एक कंसेंट लेटर ले लिया है तो आप कंसेंट चूज कर लेंगे, अगर आपने रेंट पर लिया हुआ है तो रेंट चूज कर लेंगे, अगर वो शेयर्ड है तो आप शेयर्ड चूज कर लेंगे। जैसे कि मेरा अपना है तो मैं अपना चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको एक प्रूफ देना होगा, तो इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं। जैसे कि आप बिजली का बिल दे सकते हैं, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसमें अगर आप रेंटेड चूज करेंगे तो आपको यहाँ रेंट एग्रीमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको सही से फिल करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपके पास नोटिस आ सकता है और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है। चलिए हम अपना चूज करेंगे और इसमें हम लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। ये डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा, इसका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसमें रजिस्ट्री अपलोड कर देता हूँ। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ, तो इसमें भी आप ये सेम चीज ही अपलोड कर सकते हैं या फिर आप इसमें बिजली का बिल भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम यही सेम चीज इसमें भी अपलोड कर देते हैं। चूज फाइल, सेकंड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। जब आप इसमें रेंट एग्रीमेंट अपलोड करते हैं तो आप इसमें एक तो रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देंगे और साथ ही आप बिजली का बिल भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे आपको चूज करना है आपका बिजनेस किस टाइप का है। जैसे कि अगर आपका रिटेल बिजनेस है तो आप रिटेल बिजनेस चूज कर लेंगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर चूज कर लेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एक्सपोर्ट चूज कर लेंगे, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज है तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, होलसेल का आपका बिजनेस है तो आप होलसेल चूज कर लेंगे, अगर किसी और टाइप का आपका बिजनेस है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे किस टाइप का आपका बिजनेस है। अगर आप एक से ज्यादा जगहों पर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आप इसको यस करेंगे और दूसरी जगह की डिटेल्स भी आप यहाँ पर इसी तरह से फिल कर देंगे, और अगर सिर्फ एक ही जगह पर बिजनेस करते हैं तो इसको आप नो रखेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपने चूज किया था कि आप किसी और जगह पर भी बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर उस जगह की डिटेल्स फिल करनी होगी, हमारे केस में हमने नो किया हुआ है तो यहाँ पर कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है। इसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी चूज करनी है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल करता है। इसमें आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब ये तो आप यहाँ पर अपना HSN कोड एंटर करेंगे तो आपके सामने बिजनेस की कैटेगरी आ जाएगी, या फिर आप अपने बिजनेस की कैटेगरी यहाँ पर टाइप करेंगे, इसमें से आप चूज कर लेंगे आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। जैसे कि मुझे सर्विसेज के लिए GST नंबर लेना है तो मैं सर्विसेज पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं कोड डाल दूंगा। जैसे आप कोड एंटर करेंगे तो आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है, आप और भी यहाँ पर कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आप बिजनेस करते हैं, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज हो, आपको यहाँ पर कोड या नेम डाल करके सर्च कर लेना है और उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। कुछ स्टेट्स में GST नंबर लेने के लिए आपके पास पहले से ही EC नंबर RC नंबर होना चाहिए, हमारे स्टेट में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है तो इसको हम ब्लैंक रखेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको आधार OTP के थ्रू ऑथेंटिकेट करना होगा। अगर आपके बिजनेस में एक से ज्यादा प्रमोटर या पार्टनर्स हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे किसके आधार कार्ड से आप इसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। हमारे बिजनेस में सिंगल है तो मैं इसको टिक कर दूंगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपके पास इस तरह का एरर आता है तो आप ऊपर ऑथराइज सिग्नेचरी पर क्लिक करेंगे, इसमें आप यहाँ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी को टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आप आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। आप अपनी कंसेंट देंगे तो यहाँ पर टिक कर देंगे। नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी में आप अपना नेम चूज कर लेंगे, यहाँ पर प्लेस का नेम डालेंगे। इसके बाद सबमिट विद EVC पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ डालकर वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। जो डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की है सिस्टम इसको वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा। इसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी ARN नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। अभी एक लास्ट स्टेप बचा है, आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना आधार नंबर और OTP डालकर उसको वैलिडेट करेंगे। ओके, सो 2 मिनट मैंने वेट किया और मेरे पास ये ईमेल आ गया है। इसी तरह का ईमेल आपके पास आ जाएगा, इसमें आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा EKYC के लिए। आप इसमें अपनी कंसेंट देंगे, आधार नंबर पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करेंगे।
आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां डालकर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक एआरएन नंबर मिल जाएगा। एआरएन नंबर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया जाता है, उससे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप अपना एआरएन नंबर डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। जीएसटी नंबर मिलने के बाद आपको क्या क्या काम करने हैं, कैसे आपको जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, कैसे उसमें आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। तो अभी आप अपने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।